हेलो तो दोस्तों मैं आपका तो दोस्त अमित बताऊँ मैं चैपा स्वागत है तो आज की इस वीडियो में मैंने क्या हो आप लोग के लिए गेमिंग ईयरबड वैसे तो मैंने इस चैनल पर बहुत सारे ईयरबड्स के वीडियो बनाए हैं बट आज की इस वीडियो में मैंने क्या हो एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग ईयरबड तो आज की इस वीडियो में इसी ईयरबड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ और इस ईयरबड के बारे में हम पूरा डिटेल में जानने वाले कि इसका क्वालिटी वगैरह कैसा है ये गेमिंग के लिए परफेक्ट है या नहीं ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और म्यूजिक क्वालिटी इसका कैसा है बेस क्वालिटी कैसा है पूरा चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो पूरा एंड होता ताकि आप इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह जान सकें लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनज सकते हैं प्रेस कर ले ताकि आप इस तरह नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेमिंग ईयरबड आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है यहाँ पर हंड्रेड परसेंट औरजिनल वारंटी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो ईयरबड आपको कुछ महीने की वारंटी प्रोवाइड करते हैं वैसे तो ये कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है अनब्रांडेड प्रोडक्ट है तो मॉडल नंबर टू ट्वेंटी वन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो फाइव पॉइंट थ्री का वर्जन इसका मिलता है तो ये फुल्ली गेमिंग हेडसेट है तो स्पेशली इसे गेमिंग के लिए ही डिज़ाइन किया गया है तो अभी देखते हैं ये गेमिंग के लिए कितना परफेक्ट है आगे हम देखेंगे बट उससे पहले अभी हम इसे ओपन करते हैं और देख लेते हैं इस ईयरबड को सबसे पहले हम इसे ओपन कर देते हैं तो अगर यहाँ पर अगर आप बात करें तो इसके अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसके अंदर आपको सारे डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे यूज़र मैनुअल के अंदर तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा आपको और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है टाइप सी केबल एक मिल जाता है जिससे आप अपने ईयरबड को चार्ज कर सकते हैं तो टाइप सी इंटरफेस दिया है जो बहुत ही अच्छी बात है इस ईयरबड के लिए और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आप यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर्स अगर आपका कुछ बर्ड्स वगैरह गुम हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा रोबोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर ये बर्ड को देख सकते हैं तो इस तरीके का लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फुली रोबोटिक लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस तरीके का लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऊपर से यहाँ पर पहलू का हम हटा लेते हैं स्टीकर को यहाँ पर आपको टाइप सी इंटरफेस का चार्जिंग केबल यहाँ लगा सकते हैं तो अगर मटेरियल क्वालिटी की बात करो तो मटेरियल क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर इसका लगा फुल्ली प्लास्टिक का यहाँ मटेरियल क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है फिनिशिंग उतनी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं दी हुई बट ठीक ठाक है तो यहाँ पर अभी मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर इसका लाइटिंग के साथ ये ईयरबड आपको देखने को मिलता है तो इसका जो लाइटिंग क्वालिटी वो इसको और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाता है इस ईयरबड को और बाकी ईयर बर्ड्स को आप देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो इसे जब आप ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है ये ईयरबड और जैसे आप बंद करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑफ भी हो जाता है तो अगर आपका कनेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा जब आप इसे बंद करेंगे और ओपन करते ही ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा ये अभी यहाँ पर हम बर्ड्स की बात कर लेते हैं तो बर्ड्स को यहाँ पर हम निकाल के देखते हैं तो अगर आप बड्स को देखेंगे तो इस तरीके का लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो ऊपर की तरफ लाइटिंग का यहाँ पर इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है जो इस ईयरबड को और ज़्यादा एट्रेक्टिव बना देता है और इसकी कम्फर्टिलिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का ये ईयर बड़ मिल जाएगा आपकी ईस में एकदम फिट बैठ जाएंगे तो आप वर्कआउट वगैरह भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं इन ईयर बड्स से तो सबसे पहले हम बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो इस ईयरबड का बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको मिल जाता है फोर टू फाइव हाउस तक का प्लेन टाइम ये प्रोवाइड करता है इजीली तो चार से पाँच घंटे तक आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं बाकी इसके केस को आप एक बार चार्ज करने के बाद आराम से इसके अंदर आप तीन से चार बार आपने ईर बड्स को चार्ज कर सकते हैं और ईयर बड्स को आप एक घंटे में फुली चार्ज कर सकते हैं तो यहाँ पे बैटरी बैकअप इसका टिकट यहाँ पर आपको मिल जाता है फोर टू फाइव हावर्स तक का वैसे ये जो ईयरबड है वो एक कम बजट में आपको मिलता है तो उस हिसाब से भी इसका बैटरी बैकअप मुझे अच्छा लगा अब बाकी बात करते हैं अब इसका मेन जो है साउंड क्वालिटी म्यूजिक साउंड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो मैंने इसे म्यूज़िक के लिए यूज़ किया तो म्यूज़िक क्वालिटी जो है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है स्टार्टिंग में तो इसमें बहुत ज़्यादा स्लो साउंड आ रहा था बट मेरे को लगा कि शायद इसमें कम साउंड है बट इसके अंदर आप वैल्यूम को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं तो मैंने जब वैलिंग को ज़्यादा किया तब मुझे जाकर इसका ओरिजिनल साउंड को पता चला तो उसका तो जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा तो एकदम परफेक्ट साउंड यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करता है जो इस ईयरबड को और अच्छा बनाता है तो ज़्यादा हाई पिच में इसका साउंड नहीं मिलता है आपको एकदम परफेक्ट बेसिक साउंड इसके अंदर आपको देखो मिलता है जिससे म्यूज़िक सुनने में और भी अच्छा लगता है और बेस की बात करें तो बेस इसके अंदर आपको डीप मिलता है बट यहाँ पर जो बेस क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है इस साउंड और बेस का जो कॉम्बिनेशन इसके साथ प्रोवाइड किया गया है ईयरबड के साथ जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो साउंड और बेस क्वालिटी मुझे बहुत ही पसंद आया इस ईरबड का इसके अंदर एक और चीज़ है जो इसका सेंसर टच है वैसे तो बहुत सारे गेमिंग ईरबर्ड्स के मैंने एक दो वीडियो बनाए भी हैं अपने चैनल पर बट उसका सेंसर जो थे वो सही से वर्क नहीं कर रहे थे बट इसका जो सेंसर होता है वो सिंगल टच बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर इसके टच वर्क करते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो बहुत सारे ईयरबर्ड्स होते हैं जिसे आप टच करते रहते हैं लेकिन उसमें रिस्पॉन्स नहीं होता है लेकिन इसके अंदर आपको एकदम जल्दी से यहाँ पर रिस्पॉन्स ये प्रोवाइड करता है तो इसका जो टच फंक्शन है वही बहुत ज़्यादा इसका अच्छा मुझे लगा अब साथ ही बात करता हूँ मैं इसका जो मेन होता है गेमिंग वोड्स को तो इसके अंदर आपको गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है तो इसके अंदर आपको डबल मोड देखने को मिल जाता है तो लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो गेमिंग मोड जो है वो ऑन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप गेम को प्ले कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर कॉल ड्यूटी और मॉडल कमांड जैसे बड़े गेम्स को प्ले किया इस बड को लगाकर तो यहाँ पर मेरे को बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स देखने को मिला इसके अंदर आपको 50 एम की अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिलता है डिले वगैरह होता है का दो सेकंड का आ, ये बर्ड्स में वो, वो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा एकदम परफेक्ट साउंड के साथ ये मिलता है और इतना स्मूथली वर्क करता है तो मतलब मैं थोड़ा इंप्रेस हुआ कि इतना कम प्राइस में ये क्यूब थर्टी वन यहाँ पर आपको मिलता है और उसके हिसाब से इसका जो क्वालिटी था वो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है तो ओवरऑल अगर इसकी मैं बात करूँ तो मुझे तो ये सारी चीज़ों में ये बेस्ट लगा मतलब इसका साउंड क्वालिटी बेस्ट आपको मिल जाता है और साथ ही इसका बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है जिस प्राइस में ये अवेलेबल है और बाकी यहाँ पर आपको यहाँ पर गेमिंग मोड भी इसका बहुत ज़्यादा परफेक्ट मुझे लगा तो अगर आप कोई भी गेमिंग के लिए एक कम प्राइस में कोई ईयरबड बाय करना चाहते तो आप इसे बेझिझक बाय कर सकते हैं साथ ही लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं उसके अलावा कोई डाउट है इस ईयरबड को लेकर तो कमेंट करें तो रिप्लाई देनी पूरी कोशिश करूंगा और साथ ही अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और और अगर आपके कॉन्टैक्ट में ऐसा कोई है जो आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर जो गेमिंग ईयरबड बाय करना चाहता है वो भी बजट में तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं तो आज की वीडियो बिताए थाई सॉ वॉचिंग केयर